मंडल बदलेगा, मंत्र मंडल बदलेगा, अब मीडिया मंडल नहीं बदल पाए तो क्या यार। अखिलेश जी, योगी जी कह रहे हैं, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि देखिए उच्च स्तरीय जांच क्या है, दिल्ली सरकार उनकी है, यूपी सरकार उनकी है। अगर आपको जांच करनी है तो जो कवरेज आप लोग दे रहे हो, जो ईमानदारी से आपकी कवरेज आ रही है, उन्हीं तस्वीरों को देख करके सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार ने क्या किया। क्या यही रास्ता विश्वगुरु बनने का है? क्या यही रास्ता पांचवी अर्थव्यवस्था का है? और यही रास्ता है क्या तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाओगे दुनिया की? अरे दुनिया की अर्थव्यवस्था नहीं बनना, बनो ना बनो, ऑक्सीजन तो दे दो, दवाई तो दे दो, इमरजेंसी में किसी की मदद तो कर दो। अखिलेश जी 50,000 की अनुमति चाहते हैं, मैंने सुना नहीं आपने? मैंने कहा कि अगर इस तरह के आयोजन हैं तो सरकार और प्रशासन को पूरा इंतजाम देखना चाहिए, पूरी जानकारी हासिल करनी चाहिए। आप पे इतनी बड़ी फौज है, इतने अधिकारी हैं, यूपी में सबसे ज्यादा आईएएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा आईपीएस अधिकारी हैं, सबसे ज्यादा सरकार के पास हाथ हैं, सबसे ज्यादा बजट है, लगाइए वहाँ, किसने रोका है आपको? अखिलेश जी, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच इस बात की हो रही है कि साजिश है या दुर्घटना है। ये मुख्यमंत्री जाने और आपका चैनल जाने। सर एक आखिरी सवाल, जब 50,000 की अनुमति थी तो 2,50,000 लोग वहाँ पर, ये बात प्रशासन को वहाँ पर करनी चाहिए थी कि अगर अनुमति 50,000 की थी तो प्रशासन क्या सो रहा था क्या? क्यों जाने दिया लोगों को? अगर उनके पास अनुमति थी तो बैरिकेडिंग कहाँ थी, रोकने के इंतजाम कहाँ था? और अगर इस तरह के लोग आ रहे थे तो अपनी फोर्स क्यों नहीं बढ़ाई उन्होंने? और उनको जानकारी देनी चाहिए आयोजकों को कि आपके आयोजन की वजह से इतने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, इनके इंतजाम के लिए हम क्या करें? प्रशासन को तैयारी करनी पड़ती है, इसलिए अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर न मढ़े। सरकार की जिम्मेदारी थी, सरकार की वजह से जाने गई हैं, सरकार की वजह से ऑक्सीजन नहीं मिली है, सरकार की वजह से दवाइयां नहीं मिली हैं, सरकार की वजह से एम्बुलेंस नहीं आई, और सरकार की वजह से ही जिन शवों को जिस तरीके से ले जाया गया है, ये पूरी सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या बाबा की गिरफ्तारी की मांग करेंगे आप? मैं कहता हूँ किस बाबा की गिरफ्तारी कराएं बताओ तुम? दो बाबा हैं वहाँ।